मैं हूं एमडी फैजान अकबर, आप देख रहे हैं अकबर टेक्नो चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल एक्सरे कैसे। तो जो भी हमारे इससे पहले वाले वीडियो इंटरनल एक्सरे वाली वीडियो नहीं देखे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो वीडियो सही लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे अकबर टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। ये है होंडा का जनरेटर जो 230 वोल्ट प्रोवाइड करती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक के लिए कंट्रोल पैनल को डीजी से कनेक्ट करते हैं और इसके दूसरे सॉकेट से एक्सरे ट्यूब को केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। यह है एक्सरे ट्यूब जिसकी कैपेसिटी 250 केवी है। सबसे पहले मार्किंग कर नंबर बेल्ट और पेनेट्रोमीटर को लगाते हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। फिर फिल्म को लगाकर इलास्टिक से दबा दिया जाता है। इसके बाद एक्सरे ट्यूब को पाइप के ऊपर रखेंगे और इसके सोर्स को फिल्म के सेंटर में रखने के लिए मेज़र करेंगे। मेज़र करने के लिए एक्सरे ट्यूब को बेल्ट के थ्रू टाइट किया जाता है और इसे घिसकाकर फिल्म एंड सोर्स के डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है और देखा जाता है कि हमारा सोर्स सेंटर में है कि नहीं, फिल्म के सेंटर में है कि नहीं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसके बाद पैनल के केबल को एक्सरे ट्यूब के सॉकेट से कनेक्ट किया जाता है। तो इसे अच्छी तरह से कनेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सरे ट्यूब रेडी है एक्सपोज के लिए। तो चलते हैं सीधे पैनल की तरफ। तो सबसे पहले डीजी को ऑन करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि डीजी स्टार्ट हो चुके हैं। इसे पैनल को ऑन करने के लिए एमसीबी को ऑन करें और इसकी टाइमिंग को 00 आने तक रुकेंगे। और इसमें देख सकते हैं कि हमारा एक्सपोजर टाइम है वो 15 टाइम्स है, 1 टाइम्स में 3 सेकंड होता है। इसे ऑन करने के लिए एचवी वाले बटन को पुश करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा मशीन रेडी होने लगता है और कुछ ही टाइम के बाद हमारा ट्यूब है वो एक्सपोज करने लगता है। ये है सर्वे मीटर जो रेडिएशन की कैपेसिटी को बताता है तो कि कितना डिस्टेंस में कितना रेडिएशन आ रहा है। तो चलते हैं पैनल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपोज होने में 5 टाइम्स और बचा हुआ है। एक्सपोजर टाइम सेट करने के लिए टॉप साइड में लगे हुए बटन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और रीडिंग को देखेंगे और नीचे में दिए गए ग्राफ के थ्रू केवी को सेट कर सकते हैं। इसमें लाइट इंडिकेटर से आप समझ सकते हैं कि हमारा मशीन ऑन है, ऑफ है, एक्सपोज कर रहा नहीं कर रहा। और इसके नीचे वाले बटन को रेड और ग्रीन है जिससे ऑन ऑफ किया जाता है। तो लगता है कि हमारा जो एक्सपोजर टाइम है वो 00 हो चुके हैं। चलते हैं फिल्म को खोल कर रख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं कि फिल्म डेवलप कैसे करते हैं और आरटी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।